यह मामला आरजे मैडिकल कॉलेज आरजे कौर मैडिकल कॉलेज कोलकाता का है। उतों के एक सैकेंड ईयर के रेजिडेंट जो कि चेस्ट मैडिसन के रेजिडेंट ने वो 36 आर 36 घंटे की ड्यूटी कर रहे थे। 36 घंटे की ड्यूटी के सैमीनार रूम च रैसट कर सैमीनार रूम च रैसट कर जाते हैं तो अपनी पढ़ाई कर जाते हैं। उत्थे उन्होंने इन्ना व्डा कांड हो जाता है, उन्होंने रेप करके मर्डर कर दिया जाता है। इस ये पूरी घटना है, असं नहीं चाहते कि यहोजी घटना किसी होर नाल दोबारा वापरे। तो जो साडे विक्टम ने उन्हां दी फैमिली नूं जल्द तो जल्द इस घटना दे लई इंसाफ मिलना चाहिए है, क्योंकि अगर इंसाफ लेट है तो वह इंसाफ नहीं है। वह एक मासूम बच्ची जो कि अपने काम से रेजिडेंट डॉक्टर एक सेफ्टी अगर उन्होंने अपने हॉस्पिटल च नहीं हैगी तो होर असी कितों एक्सपैक्ट कर सकते हैं कि असी सेफ होवांगे। साडे लई साडा हॉस्पिटल दूजा घर है, असी इत्थे 36 घंटे 40-40 घंटे की ड्यूटी करते हैं। साडे पेरेंट्स नूं आ ही लगता कि वह साडे बच्चे हॉस्पिटल विच सेफ ने, वह सानू भरोसे नाल ही भेजते हैं। अगर वह असी इत्थे सेफ नहीं तो होर असी कितने सेफ हो सकते हैं। मैम लगता नहीं कि भी लेडीज ज़्यादातर इस प्रोफेशन के बहुत ज़्यादा ने, फिर वो अनसेफ है सारे भी हर हॉस्पिटल गल करिए? हाँ जी बिल्कुल, हुण पहला तो असी कदे इमेजिन भी नहीं किया सीगा कि यह जी घटना सानू ऑन डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर नाल हो सकती है। साडी अखां खोल दित्तियां ने डर दे नाल, असी कंब गए हैं कि यह जी घटना हो सकती है। साडे पेरेंट्स एक्सपैक्ट नहीं कर सकते कि साडे बच्चों नू यह जी घटना भी हो सकती है। उहदे पेरेंट्स ने कितें एक्सपैक्ट किया होना कि वह अपने बच्चे नू उन्होंने एड्डी वधिया एजुकेशन देने लई भेजिया तो उन्होंने नाल इहोजा कांड हो गया। इहोजी घटना उन्होंने लई मतलब फांसी की सज़ा भी दोषियों के लिए घट है, क्योंकि उन्होंने बच्ची तो वापस नहीं आ सकती ना। उन्होंने बच्ची नाल जो दर्दनाक हादसा होया वो तो नहीं मुड़ सकता ना। असं नहीं चाहते कि किसी होर नाल यह जी घटना होवे, तो वध तो वध सेफ्टी मुहैया करानी चाहिए है। हर हॉस्पिटल के गार्ड्स होने चाहिए ने ताकि घट्टो घट सेफ्टी तो एक बेसिक नेसेसिटी है वह होवे साडे कोल। वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो भी एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई है उसके विरोध के रूप में हम ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम स्ट्रीट पे आके और एनआरकी कर देंगे और सारा कुछ हल्ला उधम मचाएंगे, वो तो हम नहीं कर सकते। तो हम एक शांति से एक अपना मैसेज देना चाहते हैं बिना कोई डिस्टर्बेंस किए। एक साइलेंट मैसेज होता है, गवर्नमेंट को इसको सुन लेना चाहिए। और जो अच्छे नेता होते हैं, अच्छे मैनेजर्स होते हैं, वो समझ जाते हैं कि जनता के मन में क्या है। अब अगर इसको भी नहीं समझ पाएंगे तो बाकी एग्जाम्पल पास्ट में बहुत सारे हैं, तो फिर ज़्यादा बड़ा आंदोलन होगा। फिर उसके बाद इतना सब करने के बाद आपको वही करना पड़े तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर कि वो अभी एक्शन लें, फास्ट ट्रैक चीज़ों को कराएं और सारी दुनिया के सामने ये नज़ीर पेश करें कि अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसको प्रॉपर सज़ा मिलती है। सर सिर्फ लुधियाने के बीच ही इस तरह का मार्च जो कटे जा रहे कि होर भी नहीं? हमारे सारे कलीग ऑल ओवर इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और सारे लोग एक दूसरे अपनी अपनी जगह पे अपने अपने मेडिकल कॉलेजेस में ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम जड़ी है सारी सीएमसी हॉस्पिटल दी? जी हम सारे सीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं। अदर मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स भी अदर स्टेट्स में लगभग सारी स्टेट्स में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देख सकते हो तस्वीरों के बीच तुसी सीएमसी के डॉक्टर सारे तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। स्कैंडल मार्च जिहड़ा कढ़िया जा रहा है तो सर ना गलबात करेंगे, सर की लगता है कि लगातार इस तरह जो इंसीडेंट हो रहे हैं किमें ठल पै सकते? बड़ी शर्मनाक गल है जी ये जो हुई है। उत्थे एक फीमेल डॉक्टर दे नाल ऑन ड्यूटी जो किया गया है, सुप्रीम कोर्ट दी जो गाइडलाइनस ने कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम दे विच फांसी सज़ा, उहदे नालों भी यह बहुत उपर जा चुका क्राइम। ऑन ड्यूटी एक फीमेल डॉक्टर दे नाल जो कुछ होया है, जो उहदी ऑटोप्सी रिपोर्ट दे विच फाइंडिंग्स आईयां ने, तो बड़ा शर्मनाक आ। शर्म नाल मूँह सीएम का भी झुक जाना चाहिए है, तो बहुत इन्हों शर्म होनी चाहिए है जो कुछ वो होया है। एक ऑन ड्यूटी फीमेल दे नाल जो कुछ होया, तो जो निर्भया केस दे विच उस टाइम पर एक मीटिंग बिठाई गई सी कि लॉज होर सख्त करने चाहिए ने रेप केसिस दे विच, बट कोई चेंजेस नहीं सी कीतियां गईयां। वो इन्हों दोबारा बिठा के मीटिंग सोचना चाहिए आ कि कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स करनिया चाहिए ने। ऑन ड्यूटी तो जे ये कुछ होया फीमेल्स नाल, बहुत शर्मनाक है, पूरे देश के लिए शर्मनाक है। एक पास डॉक्टर लोगों दाना बचाते हैं, डॉक्टर लोगों के भी हर एक मुसीबत के खड़े नज़र आते हैं, पर उत्थे डॉक्टर्स के नाल इस तरह हो जाना भी लोगों के नाल वास्ते कि शर्म की गल? यही सारे प्रशासन के नाल गवर्नमेंट की यह शर्म चाहिए इन्हों, पूरी इन्हों शर्मनाक इन्हों होर इस तो बाद की इन्हों शर्म हो सकती है कि इन्होंने कोई हजे तक कोई एक्शन नहीं लिया गया
कि इन्होंने कहे अक्यूज़ फड़े ने इन्होंने सिर्फ एक अक्यूज़ फड़ के सीसीटीवी के बेसिस से कह रहे हैं कि असी फड़ लिया बहुत बड़ी प्राप्ति है साड़ी इन्हों शर्म होनी चाहिए है इन्होंने हजे तक कोई एक्शन नहीं लिया है तो यह सी बी आई ने जो केस ट्रांसफर किया गया है वह असी आई होप के बहुत जल्दी यह कुछ एक्शन लैन नहीं तो यह बहुत पूरे देश लिए शर्मनाक इंसीडेंट होया नाम तो असी मंग करते हैं कि जिदा ये गाइडलाइनस ने कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम फांसी की सज़ा होंगी है तो वह घट्टो घट होनी चाहिए है एग्जैम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए है ताकि पूरे वर्ल्ड तक न्यूज़ जाए कि इदा का शर्मनाक जो कुछ करते हो तो की सज़ा होंगी अगर भी प्रोटेस्ट बढ़ सकता जो मान लो कार्रवाई नहीं होती होर भी बढ़ सकता है जो वो तो वह प्रोटेस्ट असं करा ताकि अक्यूज जोड़े आहैंड द प्रिजनस होन एंड घट्टो घट फांसी सज़ा हो मैम की कहना चाहोगे जो कैंडल मार्च कर जा रहा है तो एक लेडी डॉक्टर के नाल इस तरह वरत जाना किवें देख हम कहना तो यही चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले जो भी इस गुनाह के लिए जिम्मेदार है उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले और सख्त सज़ा मिले और हम चाहते हैं कि आगे कभी ऐसा किसी और के साथ ना हो उसके लिए जो भी जितने भी अस्पताल हैं सिर्फ अस्पताल नहीं जितनी भी संस्थाएँ हैं सब में सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ाई जाए जहाँ पे भी लोगों को नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है वहाँ पे उनको एक सुरक्षित जगह दी जाए जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए आराम कर सके और सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किया जाए हॉस्पिटल में जगह जगह ताकि देख सके कि लोगों को भी पता रहे कि अगर वो कुछ भी ऐसा करेंगे पता चल जाएगा वो जल्दी पकड़े जाएंगे और जो भी फीमेल डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें तो हम और जो हमारी जो डॉक्टर कोलीग है उसकी आत्मा को शांति मिले और हम चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले बस हम यही बोलना चाहते हैं थोड़ा अगर इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि काफ़ी समय निकलता जा रहा है तो आगे और भी प्रोटेस्ट बड़ा हो सकता है डॉक्टर बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये ऐसा किसी के साथ भी दोबारा नहीं उसके साथ भी नहीं होना चाहता और किसी के साथ दोबारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो अगर उसके गुनहगारों को सज़ा नहीं मिलती है तो प्रोटेस्ट डेफिनेटली बड़ा होगा सीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर सारे इतने मौजूद ने होर भी हॉस्पिटल है भी उन्हों का भी सहयोग थानू मिल रहा है सब जगह सब लोग अपने अपने अस्पताल में कर रहे हैं हमारा अभी ये उद्देश्य नहीं है कि हम कुछ लॉ ऑर्डर को डिस्टर्ब करें इसलिए हम इसको बहुत बड़े स्केल पे नहीं करना चाहते हैं हम बस हमारी अथॉरिटीज़ बहुत सपोर्टिव है हम यही चाहते हैं कि जो देश भर के अथॉरिटीज़ है वो भी ये सुने और अपने डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें